जी, सभी का बहुत बहुत वेलकम है यार अपने यूट्यूब चैनल पे। और कैसे हो सभी? ठीक हो यार? अभी है ना, मेरे को 2-3 बंदे पूछ रहे, कहते भाई यार तुम ना झूठ बोल रहे हो, 12-13 ऑर्डर होते हैं। ठीक है, तुम बोल रहे हो 20-20 ऑर्डर होते हैं, ठीक है 15 होते हैं, 18 होते हैं। भाई यार, अगर 15 से 15 ऑर्डर भी ना हो ना एक बंदे के, तो उसका काम करने का फ़ायदा ही नहीं है। ठीक है, वो क्या खुद खाएगा, क्या खुद बचाएगा, ठीक है क्या घर पर भेजेगा, है ना? ये बात सोचने वाली बात है। तो भाई 15 ऑर्डर तो एकदम लाजमी होना है, ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है 15 ऑर्डर। ठीक है, बंदे की सेविंग के लिए और खाना पीना निकाल के पूरा खर्चा वर्चा निकाल के बंदा कम से कम पैसे तो भेजे ना घर पे, है ना? इसीलिए अभी यार 15 16 ठीक है 15 हो गए, ठीक है ये तो एक मतलब कि एक अच्छी बात है 15 हो जाने, ठीक है बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एक होते हैं मतलब कि 16 हो जाने, 18 हो जाने, ये तो और भी अच्छी ज़्यादा बात है ना। तो यार एक दिन के होते हैं ना 12 ऑर्डर होते हैं, जिनके 11 ऑर्डर होते हैं, 10 ऑर्डर होते हैं, ठीक है उनका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है मेरे भाई उसके पीछे होने का। आप ऐसे मत सोचा करो कि यार इसके 12 हो रहे हैं तो मेरे भी 12 ही होंगे, इसके 14 हो रहे हैं तो मेरे भी 14 ही होंगे, ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। ठीक है, अरे किसी के 20 भी होते हैं, किसी के 15 भी होते हैं, किसी के 16 भी होते हैं, किसी के 18 भी होते हैं, किसी का काम करने का तरीका अलग होता है। ठीक है, तो अभी मेन बात बताऊँ क्या, मैं एक तो जो नए बंदे लगे ना उनसे मत पूछा करो आप यार कितने ऑर्डर हो रहे हैं, कितने ऑर्डर हो रहे हैं, उनके तो अभी 8 हो जाए, 9 हो जाए, 10 हो जाए, 11 हो जाए, ठीक है अथवा 13 हो जाए, 14 हो जाए, इससे ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, उनका होने का रीज़न क्या है भाई? एक तो उनका बैच नंबर 4 पे है, ठीक है बैच 4 पे है, एक उन्होंने शिफ्टें मतलब कि उनको पता नहीं कि शिफ्टें उठानी कैसे है। ठीक है, तो जैसे उनको सामने आई वैसे ही शिफ्टें उठा ली उन्होंने ना, जैसे मतलब कि कोई भी शिफ्ट आई ना उनके सामने तो जैसे किसी ने बताया वैसे ही शिफ्ट उठा ली उन्होंने ना, तो उस शिफ्टों में मतलब क्या है ना कई बार ऑर्डर भी नहीं होते। ठीक है, अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है हाँ। तो क्या होता है ना यार, सभी का तरीका ना काम करने का वो सभी का बहुत अलग होता है। ठीक है, कोई बंदा नाइट की शिफ्ट उठाता है, कोई बंदा डे की शिफ्ट उठाता है, ठीक है कोई बंदा कंटिन्यू शिफ्ट उठाता है, ठीक है कोई बंदे होते हैं जैसे मतलब कि मॉर्निंग की शिफ्ट उठा लिया फिर शाम की शिफ्ट उठाते हैं ना, जो ये शेड्यूल मेरा है। और इस शेड्यूल में मेरे ना यार महीने के 500-550 ऑर्डर होंगे, लेकिन नॉर्मल सी बात है, आराम से होते हैं। ठीक है, ये शिफ्ट बहुत कम लोग उठाते हैं क्योंकि शौक नहीं है लोगों को उठाने का, वो करते हैं कंटिन्यू ड्यूटी, मैं कंटिन्यू ड्यूटी करता नहीं। ठीक है, तो ड्यूटी करने का तरीका ही होता है यार, सुबह तुम जैसे मान लो 8 बजे ड्यूटी करने लग गए, ठीक है 8 बजे ड्यूटी करने लग गए तुम, 4 बजे तक की ड्यूटी कर लो, 4 बजे तक काम होता है, इस बात का पता भी है यार, 8 बजे तक बंदा बिल्कुल फ्रेश हो गया, जो ऑर्डर कस्टमर होते हैं ना वो 8 बजे से लेकर 4 बजे तक आराम से ना, जो ये जो होते हैं ऑफिस होते हैं, ऑफिस में भी 4 बजे तक आराम से नाश्ता वगैरह चाय वगैरह वो ऑर्डर करते ही रहते हैं अपना। ठीक है, फूड वगैरह कुछ ना कुछ ऑर्डर करते ही हैं वो इतने टाइम के बाद। उसके बाद यार आप 7 बजे के बाद लॉगिन हो जाओ या 8 बजे के बाद लॉगिन हो जाओ, 8 बजे को शाम को लॉगिन हो, रात को 12-12:30 तक काम करो आप, इतने बजे तक बंदे खूब ऑर्डर करते हैं। ठीक है, कम से कम है ना आप 9-10 ऑर्डर सुबह करके जाओगे और 9-10 शाम को करोगे, ठीक है 18-19 ऑर्डर होंगे आपके। ठीक है, हाँ भी एक दिन भगा दे आपको, दूर भगा दे, नज़दीक करा दे, ठीक है हाँ काम तो करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, एक जोन में रख लिया आपको, ठीक है वो काम करवाएंगे वहाँ पे, क्योंकि उनको वहाँ पे बंदे की ज़रूरत है। ठीक है, तो ऐसे होता है काम यार, ये नहीं है कि यार एक बैच नंबर 1 पे रखो यार, आपका खुद का बैच 1 नंबर पे रखो, ठीक है एक्सेप्टर है इससे जो मतलब कि 100% रखो। तो एक होता है यार, क्या होता है ना, एक अपने को ऑर्डर आता है, ठीक है ऑर्डर आया यार, ऑर्डर अपने पिक करके क्या करते हैं, कई लड़के मैंने देखे हैं वो जैसे बातें करते हैं तो बातें करने लग जाते हैं वहाँ पे, खड़े खड़े बातें कर रहे हैं, ठीक है मज़े से, या फिर कई होते हैं स्मोकिंग करते हैं, ठीक है कोई या कोई खाना खाने लग गया ऑर्डर पकड़ के। ठीक है, तो क्या है ना टाइमिंग चलती रहती है, तो उसमें क्या होता है जो टाइम पीरियड होता है ना ऑर्डर देने का, वो भी सिस्टम को भी पता चलता है भी बंदे को ऑर्डर देना है। ठीक है, तो सिस्टम पीरियड से वो क्या ना अलग अलग जाता रहेगा ना, तो आपका एक्चुअल ऑर्डर है जो डाउन होता रहेगा। ठीक है, जब एक्चुअल ऑर्डर डाउन होगा ना तो ऑर्डर आने के भाई बहुत कम चांस होंगे, क्योंकि सिस्टम को ये पता चलता रहेगा कि ये बंदा है ना जो मतलब कि एक ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करता, पहली बात तो ये, और एक्सेप्ट करता है ना तो ये ऑर्डर जल्दी नहीं देता। ठीक है, जो मतलब कि फास्ट राइडर होगा ना भाई, फास्ट राइडर होगा, ठीक है आपके साइट पे भी लिखा आने लग जाएगा मतलब कि एप्लीकेशन में बंदा फास्ट राइडर है, ठीक है भाई काम ठीक कर रहा है, काम ठीक किया हुआ है ना,
काम ठीक कर रहा है, ठीक है, तो उसको भाई अडराने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो भाई सबसे पहले मेन बात तो ये है, परफॉर्मेंस को अपने को एकदम बेस्ट रखो, बेस्ट रुको। एक है ना, कभी भी बैठो मत एक जगह पे, तुम यहाँ 20 मिनट रुक के, ठीक है, घंटा यहाँ भी बैठे हो कि भाई मेरे को ऑर्डर नहीं आ रहा, ऑर्डर नहीं आ रहा। एक गूगल मैप को छेड़ लिया करो, आपको बताया मैंने गूगल मैप को, ठीक है, टूनल नोटिफिकेशन को छेड़ लिया करो। एक अलग से वीडियो डाली हुई है इसकी, है ना। और क्या होता है यार, और होता है मेन तो गूगल ही होता है, गूगल को छेड़ लिया करो मेन तो, ठीक है। गूगल को जो टच करोगे ना अच्छे से, ठीक है, इधर उधर घुमाओगे तो ऑर्डर आने ज़्यादा चांस पड़ेंगे, साथ में लोकेशन का पता चलता रहेगा, है ना, ये बंदा कहाँ पे खड़ा है। और है ना, मूव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार, यहाँ पे ऑर्डर नहीं आ रहा, आप आगे चले जाओ, ठीक है, जहाँ पे रेड निशान शोर है वहाँ पे ऑर्डर नहीं आ रहा, आप आगे चलो, आपको ऑर्डर आएगा पहली बात वहीं आएगा, अगर वहाँ नहीं आ रहा तो आप आगे चले जाओ, आप मूव हो जाओ, ठीक है, आप मूव हो गए आपको ऑर्डर आएगा। पहली बात जहाँ से आप खड़े थे ना वहाँ पे आपको ऑर्डर नहीं आ रहा, तो आप थोड़े से मूव हो जाओ, मूव होने के बाद कटक से ऑर्डर आ जाए आप, ये 100% जेन्युइन है भाई, ठीक है, ये कोई ट्रिक ट्रुक नहीं है, जो काम करने का तरीका ना वो है। आप सुबह के 6 घंटे का ड्यूटी करो, शाम को 6 घंटे करो, 12 घंटे ड्यूटी करो, 12 घंटा ड्यूटी के अंदर आपके आराम से होंगे इतने ऑर्डर, ठीक है। कंटिन्यू ड्यूटी के अंदर क्या है, एक तो आप थक जाते हो, फिर आप ऑर्डर लेट देते हो, ठीक है, तो वो भी प्रॉब्लम होती है। एक आप फ्रेश नहीं होते हो तो मतलब कि, ठीक है, तो लोकेशन ढूंढने में प्रॉब्लम आ जाती है। एक माइंड फ्रेश होता है ना तो आप जल्दी जल्दी ऑर्डर देते हो, जल्दी जल्दी आप, ठीक है, आपका ध्यान भी रहता है। एक क्या होता है ना, जैसे मॉल है, मॉल वगैरह के अपने बाहर बैठे हैं, ठीक है, माइंड फ्रेश होता है ना तो अपने क्या उसके पास चले जाते हैं, माइंड फ्रेश नहीं होता तो क्या बाइक पे बैठे रहते हैं अपने, ठीक है, तो थोड़ा पास चले जाते हैं यार, आडरा ने ज़्यादा नज़दीक चांस बन जाते हैं ना, तो फ्रेश माइंड होता है तब। तो उस मॉर्निंग में क्या करते हैं अपने, बिल्कुल माइंड फ्रेश होता है तो काम करता है ना उस बंदे को, वो रेस्टोरेंट के बिल्कुल पास जाके पास बैठ जाएगा, घूमने लग जाएगा शाम तक, शाम को है ना वो क्या करेगा, शाम को घूमेगा ही नहीं, वो अपनी बाइक पर बैठा रहेगा, हाँ ऑर्डर आएगा मैं जाऊँगा, ऐसा होता है। 6 घंटे का शाम का, 6 घंटे का सुबह ऐसे ड्यूटी करो है ना भाई, ऑर्डर भी होंगे, ठीक है, साथ में काम में भी मन लगा रहेगा, ठीक है, तो संतुष्टि से काम होगा, ठीक है। और है ना ऐसे ही मतलब कि बातों मत आए, और कोई बंदा ऐसे बोल रहा है जी इतने ऑर्डर हो रहे हैं, जी कोई इतना बोल रहे हैं, ठीक है, महीने हो गए, आखिरी दिन में पूछ लेना कितने ऑर्डर हुए, बोलेगा 450 है भाई, 550 हुआ भाई, 500 हुआ, तो यार ऑर्डर किया तभी हुआ ना, पहले तो बोल रहा था मेरा 12 हो रहा है, 13 हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है, होता है एक दो दिन करवाए ना करवाए, ठीक है, कम करवाए, ठीक है, धीरे करवाते हैं ऑर्डर, ठीक है, यही सिस्टम होता है, और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो मेन तो बात है यार, फोकस किया करो काम पे, फोकस करोगे ना तो ही चेंज होगा, ठीक है, खुद का शेड्यूल तभी ही ऑर्डर होंगे अच्छे से। ओके, बाय बाय, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो भैया अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, और वीडियो को करके देना लाइक, और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा आपको, ठीक है।